इंडिया के फेवरेट स्नैक पकोड़े। पकोड़ों के भी कई रूप होते हैं, ईस्ट में फ्राइड मोमोज, वेस्ट में पाव में रखा वड़ा, नॉर्थ में तो कई भरमार है। आलू से लेकर गोभी तक, पालक से लेकर फिश तक, गरम कढ़ाई से निकलते गरम पकोड़े कभी कभी आपका मुंह भी जला देते हैं। पर एक शख्स है जिनका गरम पकोड़े क्या, गरम तेल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। करोल बाग, नई दिल्ली, सबसे पुराने मार्केट्स में से एक। यहाँ के गणेश रेस्टोरेंट में आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। ये 1.5 किलो का हाथ है, जब किसी पकोड़े में पड़ता है रुकता नहीं, उड़ जाता है। जी हाँ, वो भी गरम खोलते हुए तेल से। मिलिए प्रेम सिंह से। 65 साल के प्रेम सिंह पिछले 10-12 सालों से ऐसे ही गरम तेल से पकोड़ों को निकालते हैं और उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलते। दरअसल 56 साल पहले प्रेम सिंह के पापा जी ने यहाँ पकोड़ों की दुकान शुरू की थी और उनके पापा भी यही स्टंट करते थे। ये लो, गया हाथ तेल में। नमस्कार, घर के सभी मर्दों से अनुरोध है, अपनी पत्नियों पर ध्यान दें, क्योंकि अगर उन्होंने घर पर ये स्टंट ट्राई करके देखा तो समझो बेटा 2 महीने खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। मतलब गरम तेल से इनकी खानदानी दोस्ती है गुरु। आइए पता करते हैं कि गरम तेल से उनका प्रेम कब शुरू हुआ था। पहले ये हमारे फादर काम करते थे, उसके बाद मैंने शुरू किया। मेरे को हो गए 20-25 साल, लगभग 60 साल हो गया इस दुकान को काम करते हुए। जब मैं छोटा था तो हमारे फादर डालते थे, मैं उनको देख के जरा कुछ होता था मेरे को, ये कैसे डाल देते हैं। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू भी हाथ डाल के देख, तेरे को कुछ नहीं होगा। तो मैंने जब पहले डाला तो मेरे को कुछ फील हुआ, तो ऐसे ऐसे मेरे को प्रैक्टिस हो गई, तो जो अब मेरे को कुछ फील नहीं होता। 70 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड में हमारी स्किन जल जाती है, पर अंकल तो करीब 120 डिग्री सेल्सियस गर्म तेल से हाथों से पकोड़े निकालते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इनका हाथ एकदम नॉर्मल है और इनका ये करतब तो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को हैरान कर दे। लगभग इतना हाथ में अंदर डाल देता हूँ तो मेरे को कोई फील नहीं होता। और ये एक्ट इनके रेस्टोरेंट का मेन अट्रैक्शन है। आइए खुद ही सुन लेते हैं इनके बेटे दीपक से। जितने भी फॉरेन कस्टमर्स हैं या जितने भी हमारे लोकल कस्टमर्स हैं, पहले उनकी डिमांड ये रहती है कि पहले आप हाथ डाल के दिखाइए, फिर वो आगे नेक्स्ट ऑर्डर करते हैं। खोलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालने की आदत तो इनके DNA में है, तभी तो बाय गॉड इनकी 3री जनरेशन भी इस डेयरिंग एक्ट के लिए तैयार हो रही है। अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं भी ऐसा शायद करके दिखाऊंगा। भाई दीपक, तुम हाथों से पकौड़े तलो या ना तलो, पर लोगों का मानना है तुम्हारे पकौड़े टेस्टी थे, टेस्टी हैं और टेस्टी रहेंगे। उसके लिए गरम तेल में नरम हाथों से पंगे मत ले दीपू। मैं काफी टाइम से, मतलब यहाँ करीब 36-37 साल से आता हूँ इनके पास। जब पकौड़े लेने जाएं और ऐसा गर्मा गर्म जलवा देखने को मिले तो भाई लोगों का तो चौंकना लाजमी होगा। I'm amazed. बहुत अजूबा ही लगा मेरे को तो कि ये कर कैसे ले। प्रेम सिंह जी की ये अनोखी हरकत लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है, और जहाँ कुछ हटके होता है वहाँ भीड़ लगी जाती है। भैया, अट्रैक्शन का अट्रैक्शन और सेल की सेल।